इसराइल हमास की जंग के बीच स्थानियों का जो हाल हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। जंग में बिल्डिंग, स्ट्रक्चर और जान माल का बहुत नुकसान हुआ है और इस जंग के खत्म होने के दूर दूर तक कोई आसार नहीं दिख रहे। ऐसे में कोई भी इन युद्ध एरिया में जाने से कतरा रहा है। लेकिन इसी बीच हरियाणा से बहुत बड़े लेबर वर्ग को इसराइल भेजने की योजना सरकार बना रही है। आखिर मजदूरों को इसराइल क्यों भेजा जा रहा है, ये सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा। तो आइए पहले इसके पीछे का कारण आपको बताते हैं। असल में इसराइल हमास जंग के बीच इजरायली सरकार ने भारत से 1,00,000 कामगारों की मांग की है। पिछले महीने इजरायली बिल्डर्स एसोसिएशन ने कहा था कि उसके अधिकारी भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसराइल में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 25% फिलिस्तीनी नागरिक काम करते थे, लेकिन जंग के बाद करीब 1,00,000 फिलिस्तीनियों को देश से बाहर कर दिया गया है। और इसी बीच हरियाणा सरकार इसराइल में नौकरी के लिए 10,000 कामगारों को इसराइल भेजने की तैयारी कर रही है। सरकार ने इसके लिए भर्ती भी निकाल दी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने भर्ती निकालते हुए हरियाणा सरकार इसराइल में 10,000 लोगों को नौकरी देने की बात कही है। भर्ती नियमों के मुताबिक इस नौकरी के लिए न्यूनतम पात्रता 10वीं है और वहीं कैंडिडेट की उम्र 25 से 54 के बीच होनी चाहिए। इन कामगारों की सैलरी 6119 होगी, यानी भारतीय करेंसी के मुताबिक इन मजदूरों को 1,34,000 रुपए मिलेंगे। इसराइल जाने में इच्छुक कामगार को क्या करना चाहिए, उसके बारे में आपको उस पोर्टल के तहत बताते हैं। असल में हरियाणा सरकार के विज्ञापन के मुताबिक कामगारों को फ्रेमवर्क, शटरिंग, कारपेंटर और आयरन बेंडिंग के काम आने चाहिए और इसके अलावा दीवारों और फर्श पर टाइल्स लगाने आने चाहिए। नौकरी देने से पहले कामगारों का इंटरव्यू लिया जाएगा और कंपनी ने कामगारों को अंग्रेजी बोलना अनिवार्य नहीं किया है। हरियाणा सरकार के विज्ञापन के मुताबिक कामगारों को मेडिकल इंश्योरेंस, रहने की सुविधा भी मिलेगी। हालांकि इसके कारण कामगार को अपनी जेब से पैसा देना होगा। सैलरी के तौर पर मिलने वाला पैसा कामगार के अकाउंट में जमा होगा और तभी दिया जाएगा जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। इस दौरान कामगार को पैसे का ब्याज भी दिया जाएगा और उसकी नौकरी के लिए हरियाणा का निवासी होना जरूरी है। सरकारी विज्ञापन के मुताबिक नौकरी पाने के लिए व्यक्ति का पहचान पत्र हरियाणा का होना चाहिए।